श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बड़ी से बड़ी बीमारी भी होगी ठीक, केवल आपको जो है 5 लोटा जल वाला उपाय जो है ये आपको करना है। पूज्य पंडित जी की कथा से सुनकर आपको ये उपाय समझाने की कोशिश करेंगे। चाहे कोई भी रोग हो, कष्ट हो, बीमारी हो, बड़े लंबे समय से कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है, मेडिसिन खा रहा है, लेकिन जो है फिर भी उसको कोई स्वास्थ्य जो है उसका ठीक ही नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक उपाय, ये सरल सा उपाय अवश्य करें। आपको इसका 15 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। 15 दिन के अंदर वह व्यक्ति धीरे धीरे जो है वो स्वस्थ होने लगेगा। उपाय को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। इस पर हम आपको पूज्य गुरु जी की हर उपाय की वीडियो हम इस पे आपको दिखाते हैं। तो उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपको चाहिए, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है अबीर। अबीर जो है ये एक गुलाल होता है, यानी जो पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं, पूजा में या फिर जो है जब हम भोलेनाथ का अभिषेक करवाते हैं, तो पंडित जी हमें अबीर गुलाल जो है वो भी समर्पित करने के लिए कहते हैं। ये आपको आम जो है नहीं मिलेगा, जहाँ से हम पूजा सामग्री का सामान लेते हैं वहाँ से आपको मिलेगा। जैसे होली के रंग होते हैं ऐसे अबीर गुलाल होता है। आपको अबीर गुलाल लेना है, आप वाइट भी ले सकते हैं या फिर जो है कोई कलर में आपको मिल जाए तो वो भी ले सकते हैं। वैसे अगर रोग मुक्ति के लिए हमें उपाय करना है तो हम वाइट अबीर गुलाल ही लेंगे, यानी सफ़ेद गुलाल ही हमने लेना है। फिर आपने जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, गुलाल लेकर और जो है 5 लोटा जल लेकर हमने भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं आप। जो भी व्यक्ति बीमार रहता है स्वयं इस उपाय को करें तो ज्यादा लाभ होगा। अबीर गुलाल जो है वो सबसे पहले हम भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, अपनी बीमारी के निवारण के लिए प्रार्थना करते हुए आपने पहले तो शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अबीर गुलाल समर्पित कर दें, उसके बाद आपने 5 लोटा जल वो आपने शिवलिंग पर समर्पित करना है। शिवलिंग पर समर्पित करते हुए जब आप 5 लोटा जल अर्पण करेंगे, उस समय आपने जो है शिव पंचायत के जो 5 देव हैं उनका आपने ध्यान करना है। अब शिव पंचायत के जो 5 देव हैं वो हैं, सबसे पहले तो भोलेनाथ का आपने स्मरण करना है, फिर आप सूर्य नारायण भगवान का स्मरण करेंगे, फिर आप गणेश भगवान का स्मरण करेंगे, फिर आप विष्णु भगवान का स्मरण करेंगे और लास्ट में माता दुर्गा का स्मरण करेंगे। ये 5 देव शिव पंचायत के अंतर्गत आते हैं। तो 5 लोटा जल आपने जब अर्पण करना है तो 5ों देव का स्मरण करते हुए आपने 5 लोटा जल अर्पण करना है। सबसे पहले अबीर गुलाल समर्पित करें, फिर 5 लोटा जल अर्पण करें और अपनी बीमारी के निवारण के लिए प्रार्थना करनी है। मात्र आपको इस उपाय को 15 दिन लगातार, केवल 15 दिन इस उपाय को लगातार करें, आप खुद देखेंगे आपके शरीर में जो भी रोग होगा, कष्ट होगा, बीमारी होगा, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, आप स्वस्थ होने लगेंगे। इसके साथ अगर कोई ज्यादा बीमार रहता है उसकी दवाई भी चल रही है तो उसे भी आप रेगुलर से लेना शुरू करें और साथ साथ में ये उपाय भी करें, आपको इसका लाभ होगा। तो इस उपाय को अवश्य करें और इसका लाभ हासिल करें। ऐसे और भी उपाय जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।